हेलो फ्रेंड्स, आई एम मीतल पटेल और आज हम विजिट करने वाले हैं ब्लाउजी। ब्लाउज स्विट्जरलैंड का एक लेक है जो कि बहुत खूबसूरत है और वो अपने वाटर के कलर की वजह से बहुत ही फेमस है। मैंने अपना सफ़र ज्यूरिख से स्टार्ट किया है तो मैं इस वीडियो के अंदर आपको पूरा दिखाऊंगी मेरा ज्यूरिख से ब्लाउजी तक का जर्नी। तो चलिए फिर, मैं पहुंच चुकी हूँ ज्यूरिख के ट्रेन स्टेशन पे। यहाँ से मैंने अपनी ट्रेन पकड़ ली है जो कि मुझे बर्न तक पहुंचाएगी। फिर बर्न से मैं फ्रुटिगन जाऊंगी। फ्रुटिगन से मुझे एक बस पकड़ना है और फ्रुटिगन से आपको 210 नंबर का बस पकड़ना है जो आपको ब्लाउजी के स्टॉप तक लेके जाएगा। जो ब्लाउजी लेक है उसके पास ही में स्टॉप है, तो आपको थोड़ा सा जब आप स्टॉप पर उतरोगे तो आपको एक रेस्टोरेंट दिखाई देगा। रेस्टोरेंट के पीछे हल्का सा चल लोगे तो आपको ब्लाउजी का एंट्रेंस दिखेगा। यहाँ से आप टिकट खरीद सकते हैं। ब्लाउजी के एंट्री टिकट की प्राइस है 10 CHF। आप टिकट खरीद लो, फिर आप अंदर एंट्री कर सकते हैं। चलिए फिर, मैंने अपना टिकट खरीद लिया है और अभी हम कर रहे हैं अंदर एंट्री। तो एंट्रेंस से अब हम अभी अंदर जा रहे हैं और लेक तक पहुंचने के लिए आपको 500 मीटर जितना चलना पड़ता है। और ये इतना सुंदर ऐसा है एकदम हरे पेड़ों के बीच में कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कब पहुंच गए एंड तक। तो चलिए फिर, एकदम ही सुंदर हरे पेड़ों के बीच में चलने का आनंद उठाते हुए हम पहुँच जाते हैं लेक तक। आज तो मेरा प्लान है कि मैं यहाँ बैठ के अपना फेवरेट म्यूज़िक सुनूँगी और एकदम चिल करने वाली हूँ मैं यहाँ पर। अभी हमें दूर से लेक दिखाई दे रहा है और देख के बहुत ही अच्छा लग रहा है। उसका जो कलर है वो एकदम आइस होटिंग है। और अभी एकदम पहुंच चुकी हूँ मैं उधर। अभी थोड़ा सा लाइट कम है तो इतना दिखाई देना नहीं पड़ रहा है, बट थोड़ा और क्लोज लुक से देखते हैं तो ये बहुत ही सुंदर है और बता नहीं सकती मैं कि देख के इतना अच्छा फील हो रहा है। तो चलिए यहाँ पर एक राउंड लगाते हैं लेक का और देखते हैं कि कैसा दिखता है ब्लाउजी। Wonder if God got a plan for everyone. I wonder if I could take a second run. 'Cause I carry on getting sad and getting stuck. What I wouldn't give for a life that doesn't suck. I'm a moving target. I never finish what I've started. I'm a moving target. But if I stop moving, then I'll have to face myself. I don't wanna face myself. I don't wanna face myself. I don't wanna face myself. Whoa, 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 yeah. I'm a moving target. I never finish what I've started. Kinda makes me wish I did. Stop moving, then I'll have to face myself. I don't wanna face myself. I don't wanna face myself. I don't wanna face myself. No, I don't wanna face myself. I don't wanna face myself. I don't wanna face myself. एक के पास बहुत ही सुंदर सा रेस्टोरेंट और कैफ़े दोनों ही है। अगर आपको कॉफ़ी पीना है या फिर ब्रेकफास्ट करना है तो आप कैफ़े जा सकते हो। अगर आपको कुछ अच्छा सा खाना है तो आप रेस्टोरेंट में खाना खा सकते हैं। यहाँ पे वेजिटेरियन ऑप्शंस भी होते हैं और बहुत ही अच्छा खाना मिलता है। ब्लाउजी का सफ़र बोट राइड के बिना बिल्कुल ही अधूरा है, तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप यहाँ पे बिल्कुल बहुत ही सही बोट राइड कीजिए। यहाँ पे जो बोट चलाने वाले अंकल हैं वो बहुत ही अच्छे हैं और वो इतनी अच्छी अच्छी स्टोरी सुनाते हैं और वो ब्लाउजी की जो इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है वो भी अपने तरीके से सुनाते हैं। इवन वो डिफरेंट डिफरेंट स्टोरीज अबाउट द डिस्कवरी ऑफ लेक और वो सब भी बताते हैं। अगर आपको वो स्टोरी सुननी है बिना वहाँ जाए हुए तो आप मेरे यूट्यूब शॉर्ट्स देख सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कमेंट सेक्शन के अंदर आप मुझे बता सकते हैं कि नेक्स्ट प्लेस आप कौन सा विजिट करना पसंद करेंगे।